हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं मार्जे मॉल्टी इलेक्ट्रिकल्स। या मार्जे मॉल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो वायरिंग सीरीज का पांचवा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि एक किचन का पूरा फुल वायरिंग कैसे करते हैं। इसके पहले वायरिंग सीरीज का मैं चार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ। एक स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। लाइट का कनेक्शन कैसे करते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया है। और रूम का एक फुल वायरिंग कैसे करते हैं, और एक बाथरूम का पूरा फुल वायरिंग कैसे करते हैं। बाथरूम में, रूम में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उस सबको मैंने उस वीडियो में बताया है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ताकि वायरिंग सीरीज आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक हमारे किचन का पूरा फुल वायरिंग कैसे करते हैं। किचन में हमारे बहुत सारा पॉइंट होता है, जैसे फ्रिज, चिमनी, आरओ, और भी सारा बहुत पॉइंट होता है। लाइट भी हमारे होते हैं, तो इस सब का वायरिंग कैसे करते हैं, इस सब का पॉइंट कैसे देते हैं, कितने हाइट पर होता है, कितने एम्पियर का सॉकेट वगैरह यूज करते हैं, कितने एम्पियर का स्विच यूज करते हैं, इस वीडियो में ये सारा चीज़ मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए हम आ चुके हैं अपने टेबल पे। या देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने एक किचन बनाया है, आप देख सकते हैं ये किचन बनाया है। किचन और किचन का दरवाज़ा यहाँ से मैंने रखा है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं, ये स्लैब मैंने बनाया है, जिसपे आप मतलब चूल्हा रख करके खाना बनाया जाता है किचन में, वो मैंने ये स्लैब बना दिया है। ठीक है, और ये कोने पे मैं बनाया हूँ सिंक, जिसमें बर्तन वगैरह धोया जाता है, ये वो सिंक मैं बनाया हूँ। ठीक है, और ये सारे आप देख रहे हैं, ये मैंने दो सॉकेट और एक स्विच का पॉइंट यहाँ पे बनाया है, एक सॉकेट का पॉइंट यहाँ पे बनाया है, और एक स्विच और एक सॉकेट का पॉइंट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे एक सॉकेट मैंने दिया है, एक यहाँ पे पॉइंट रहेगा, और एक मतलब यहाँ पे मैंने सॉकेट और स्विच यहाँ पे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ अपने किचन में, आ रहे हैं जब हम, तो यहाँ पे जस्ट डोर के बगल में यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड बनाया है। ठीक है, यहीं से हमारा सारा लाइट वगैरह कंट्रोल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आप पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट ये हम एग्जॉस्ट फैन के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट फैन लगेगा। ठीक है, किचन में जिस एरिया में भी एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है, वहाँ पे ऐसा पॉइंट आप दे सकते हैं। ठीक है, और इधर मैंने जो पॉइंट दिया है, एक स्विच एक सॉकेट, ये मैंने फ्रिज के लिए दिया है। ठीक है, और इसके हाइट की बात करें अगर, तो ये हाइट आप मतलब फिनिशिंग फ्लोर लेवल से 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट हाइट पे रख सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट फैन के लिए जो हमारा पॉइंट होता है, वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा हाइट पे रखा जाता है, 7.5 फुट, 8 फुट की हाइट पे रखा जाता है। ठीक है, और ये मैंने सेलिंग में चार लाइट बना दिया है। ठीक है, बीच में एक फ़ैन बना दिया है। ठीक है, फैन बॉक्स, ये लाइट आप चाहें तो दीवार पे रख सकते हैं या फिर सेलिंग में रख सकते हैं। ठीक है, दोनों पोजीशन में सेमी सिचुएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बनाया है, यहाँ पे इंडक्शन के लिए मैंने पॉइंट बनाया है, जो हमारे किचन में छोटा सा इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज होता है खाना वाना बनाने के लिए, नॉर्मल चीज़ के लिए, तो ये इंडक्शन का पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप मिक्सी वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे दो मतलब सॉकेट बनाया हूँ। ठीक है, एक सॉकेट मैंने यहाँ पे बनाया है, इस सॉकेट का यूज हमारा मतलब चिमनी के लिए यूज हम करेंगे। ठीक है, चूल्हा के ऊपर जस्ट ऊपर एक चिमनी लगता है, जो क्या होता है कि वो धुआं वगैरह जो हमारे किचन में होते हैं, खाना वगैरह बनता है, तो वो धुआं को सारा मतलब एग्जॉस्ट करके बाहर फेंक देता है चिमनी। ठीक है, तो ये चिमनी इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, और ये मैंने एक पॉइंट दिया है, ये आरओ का मैंने पॉइंट दिया है, ये आरओ वाटर फिल्टर जो होता है पानी पीने के लिए हम जिस यूज करते हैं, तो वो आरओ का पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फुल वायरिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फेज और न्यूट्रल ले लिया है। ठीक है, सिंगल सर्किट यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरे ये स्विच बोर्ड में आ गया। ठीक है, स्विच बोर्ड में आकर के ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 स्विच बनाया। ठीक है, तो स्विच के पांचों स्विच के निचले वाले हिस्से में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो आप फेज न्यूट्रल वायर ले रहे हैं, ये आपके एमसीबी बॉक्स से आएगा। ठीक है, आप पाइप के थ्रू जैसे भी लाएं, आप पाइप के थ्रू ये लाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए किधर से भी फेज न्यूट्रल ये ले ले रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने फेज स्विच के निचले वाले हिस्से में दौड़ा दिया, ठीक है। यहीं से मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे बनाया है स्विच बोर्ड में, तो उसके निचले वाले टर्मिनल में भी हम कस देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम न्यूट्रल यहाँ से लेंगे, ठीक है। न्यूट्रल को ब्लू कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से मैंने न्यूट्रल लेकर के यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा फेज न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट फैन का जो हमने यहाँ पे पॉइंट दिया है, यो उसका स्विच हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। यहीं से हमारा एग्जॉस्ट फैन ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक न्यूट्रल ले लेता हूँ, और यहाँ से न्यूट्रल लेकर के यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट फैन पे यहाँ पे एक सॉकेट में कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा फेज है वो इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से से, जिस स्विच से आप कंट्रोल करना चाहते हैं एग्जॉस्ट फैन के, एग्जॉस्ट फैन को, उस स्विच के ऊपर वाले हिस्से से आप यहाँ से फेज लेंगे, ठीक है। फेज लेकर के मैंने यहाँ पे इधर कनेक्ट कर दिया सॉकेट में, ठीक है। ये हमारा इसका यहाँ एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम कर लेते हैं लाइटिंग का। तो लाइटिंग के लिए हम सारी लाइटों का एक आप कॉमन बनाते हैं हम, ठीक है। तो इधर से मैंने न्यूट्रल एक कॉमन बनाया, इधर से इसमें कनेक्ट किया न्यूट्रल, उसके बाद से मैंने इधर से कनेक्ट किया एक न्यूट्रल, फिर मैंने यहाँ से कनेक्ट किया न्यूट्रल, उसके बाद से ये न्यूट्रल डायरेक्ट चला आया यहाँ पे, ये ब्लू वाले में यहाँ के न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सेम सिचुएशन इसके पहले मैंने वीडियो में बताया हूँ, यहाँ से एक एक मतलब वायर आएगा और ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे लेके यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इधर से दूसरे वाले स्विच में, ठीक है। फिर मैं इसका लिया, तो इसका फिर मैं उठाया इधर से ले करके, फिर मैं इधर लेके आया, इधर ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से फिर मैं इसका ले लेता हूँ, इसका लेने के बाद से फिर मैं ऊपर वाले हिस्से में स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से मैंने एक लेकर के ऊपर वाले स्विच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से फेज न्यूट्रल मिल गया, और यहाँ से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सारे पे फेज हमारा पहुँच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ से भी हम एग्जॉस्ट फैन के लिए भी यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा फेज पहुँच जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी पहुँच रहा है। तो ये हमारा सारा लाइट और एग्जॉस्ट फैन काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और किचन में बहुत सारे लोग वो डिमांड के ऊपर होता है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमको फ़ैन चाहिए, बहुत सारे लोग डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये फ़ैन के लिए इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बता दिया हूँ कि फ़ैन का रेगुलेटर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, जो हम एक रूम के वायरिंग में बताए हैं, ठीक है। तो आप डिमांड के हिसाब से फ़ैन दे सकते हैं, अगर ड्राइंग से काम कर रहे हैं तो ड्राइंग में जैसा है उसी हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने एक फेज न्यूट्रल उठाया, इसको एक सर्किट बोलते हैं, ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इसी सर्किट से हम फिर कनेक्ट कर लेते हैं ये फ्रिज के लिए, ठीक है। तो ये निचले वाले जो हिस्से, जो हमारा इनकमिंग ये स्विच बोर्ड का सप्लाई जो आ रहा था फेज इनकमिंग, यहीं से मैंने एक वायर लूप करना है और करके यहाँ से जो फ्रिज का पॉइंट दिए हैं उसके स्विच के निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से ऊपर स्विच के ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से मैंने एक वायर ले करके और सॉकेट के यहाँ पे एक राइट साइड में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ तो फेज का यहाँ पे रोल ख़त्म हो गया, उसके बाद से हम न्यूट्रल लेते हैं। तो न्यूट्रल का सेम सिचुएशन है, न्यूट्रल आप यहाँ से लूप कर लें या कहीं से भी ले लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर लेकर जाऊँगा तो ज़्यादा घूम फिर के जाएगा, समझ में नहीं आएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ से हमने ले करके डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ पर मैंने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। ये न्यूट्रल आप कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ लाइट से कनेक्ट कर लें, यहाँ मतलब स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर लेंगे, बेटर यही होता है कि आप स्विच बोर्ड से कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर का भी कनेक्शन हो गया, ऐसे ही एक स्विच और एक सॉकेट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वन सर्किट कंप्लीट हो गया, उसके बाद से फिर हम एमसीबी बॉक्स से दूसरा सर्किट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फेज ले लिया और उसके बाद से मैंने न्यूट्रल ले लिया, ठीक है। तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया, ये दूसरा हमारा सर्किट है, ये दोनों सर्किट आपके एमसीबी बॉक्स से ही आएगा, ठीक है। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा एमसीबी बॉक्स से कैसे मतलब सर्किट को लेके आउट करते हैं, कैसे इन करते हैं, मीटर का कनेक्शन कैसे होता है, मेन बोर्ड कैसे बनता है, ये सब अपने आने वाले वीडियो में सीरीज करके एक एक करके बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
ठीक है। तो यहाँ से सेम सिचुएशन हम करेंगे, यहाँ से फेज लेने के बाद से हम क्या करेंगे कि स्विच के इधर जो हमारा दो स्विच है, दोनों स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा दो स्विच है और दोनों साइड दो हमारा सॉकेट है, ठीक है। उसके बाद से इसके ऊपर से जो ऊपर वाला स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ से हम एक वायर लूप करके सॉकेट के राइट वाले में दे देंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा, ऊपर वाले स्विच से कनेक्ट करने के बाद से सॉकेट के राइट वाले में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से न्यूट्रल आ गया, तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से सॉकेट के डायरेक्ट लेफ्ट वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट वाले से हम एक वायर लूप करके फिर दूसरे सॉकेट के लेफ्ट वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से फिर यहाँ से हम न्यूड्रल उठा करके और जो हमने चिमनी के लिए पॉइंट दिया है, जो हम चिमनी के लिए पॉइंट दिया है ऊपर, ये भी लगभग हाइट 8 फुट पे ये इसका पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से न्यूड्रल उसको भी दे देंगे, ठीक है। अब बात रही फेज की, तो फेज यहाँ से फिर हम जो हमारा इस स्विच बोर्ड का सॉरी सॉकेट का जो हमारा स्विच में जो इनकमिंग सप्लाई है निचले वाले टर्मिनल से, वहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे और वायर वहाँ से कनेक्ट करने के बाद लूप करने के बाद से हम यहाँ इसके राइट वाले सॉकेट के राइट वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सॉकेट में मतलब डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल के लिए स्विच नहीं यूज़ किया गया है। तो ये चिमनी में ऐसा ही होता है, जो चिमनी हमारा लगता है उसमें ऑलरेडी वहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच ऑलरेडी लगा होता है, तो इसमें हम डायरेक्ट सप्लाई फेज न्यूट्रल दे देते हैं, वहाँ से वो चिमनी कंट्रोल होता है। आप चाहें तो यहाँ भी एक स्विच लगा सकते हैं, लेकिन उसका लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं अगला पॉइंट हमारे आरओ के लिए। तो फिर यहीं से आप फेज जो आप यूज किया था वहां से एक वायर लूप करके और लेके आएंगे, जो आरओ के लिए हम एक स्विच सॉकेट लगाए हैं तो स्विच के निचले वाले हिस्से में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ऊपर से एक वायर उठाएंगे लूप करके और सॉकेट के राइट वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से न्यूट्रल के लिए फिर यहाँ से न्यूट्रल लूप करेंगे और उसके बाद से यहाँ हम डायरेक्ट सॉकेट के लेफ्ट वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक भी हमारा ये स्विच जब ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई पहुँचेगा, आरओ यहाँ ऑलरेडी हमारा लग रहा है, ये आरओ हमेशा ज़्यादातर हमेशा ऑन ही रहता है, ठीक है। उसके बाद से वो आरओ अपना काम करेगा, हमको पानी फिल्टर करके देगा, ठीक है। तो यही सब किचन का वायरिंग डायग्राम होता है, इसी तरह हम वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो अब बात रही इसका मतलब कौन से स्विच या सॉकेट कितने एम्पियर का यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि एक ही मतलब लोडेड का एक ही साइज का हर चीज़ में आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हर लोड के लिए अलग भी होता है और वायर भी अलग लगते हैं, ठीक है। मैं अपने आने वाले वीडियो में वायर का भी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि किस लोड पे कितना एमएम का वायर या कितना एडब्ल्यूजी का वायर दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से लोड के लिए कितना सॉकेट लगाया जाता है, कितने एम्पियर का सॉकेट लगाते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर नॉर्मल लोड है आपका, पावर नॉर्मल पावर है, तो उसके लिए आप 16 एम्पियर यानी 16 एम्पियर का सॉकेट यूज करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर हेवी लोड है आपका, बहुत ज़्यादा हेवी लोड है, तो उसके लिए आप 15 एम्पियर का सॉकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम फ्रिज के लिए और जनरली मिक्सर वक्सर यूज करने के लिए या छोटा इंडक्शन यूज करने के लिए यहाँ पे हम 60 एम्पियर का यूज करते हैं, ठीक है। चिमनी के लिए आप 60 एम्पियर के भी यूज कर सकते हैं और आरओ के लिए भी 16 एम्पियर यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन के लिए आप 16 एम्पियर का यूज करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। और स्विच की बात करें तो स्विच आपका 6 एम्पियर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे, यही हमारे मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।